हाय दोस्तों, आज ये डिज़ाइन में स्क्वायर शेप नेक पे कैसे सेट करना है ये बताऊंगी। इसका वीडियो वैसे मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया है, आप वहाँ से देख लेना। चलिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेक कट विड्थ है 6, मैंने 6.5 रखा है यहाँ। अब ये मिडिल पॉइंट है इसका, तो मिडिल से आपको 3.2 का एक करना है, इधर साइड भी 3.2 लेना है। अब यहाँ से मैं इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप नेक बना करके रेडी कर लिया है, अब इस पर यह डिज़ाइन सेट करना है। दोस्तों आप चाहे तो इस डिज़ाइन को रेडी टॉप या ब्लाउज पर भी बना सकते हो डायरेक्ट ड्रॉ करके, या अनस्टिच टॉप या ब्लाउज पर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको छोड़ करके फिर इसको छोड़ना है, इस पर सिंगल लेना है, फिर इसको छोड़ करके इस पर लेना है। इसको छोड़ना है, इस पर सिंगल लेना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर इस पे लेना है। इसको छोड़ना है, इस पे सिंगल लेना है, फिर इसको छोड़ करके इस पे बनाना है। अब इधर से आना है, इसको छोड़ करके इस पे लेना है। इसको छोड़ना है, इस पे सिंगल लेना है, फिर इसको छोड़ करके इस पे बनाना है। फिर इसको छोड़ना है, इस पे सिंगल लेना है। जैसे मैंने इधर किया है वैसे ऊपर भी कर रही हूँ। फिर इसको छोड़ना है, इसके ऊपर लेना है। फिर इसको छोड़ के इस पे सिंगल लेना है। अब इसको भी ऊपर लेके चले जाना है। अब इसको क्लॉथ पे कैसे ड्रॉ करना है ये बताती हूँ।
मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाना बताऊंगी।